बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो पर तक लाजमी देखना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब किसी की बीवी इसकी फरमाबरदारी ना करे, इसके हकूक अदा ना करे और खुश सलामी के साथ जिंदगी ना गुजारे तो रब करीम ने इसकी इस्लाह की तरतीब और तीन तरीके बतलाए। तलाक देने से पहले इन पर अमल करना चाहिए। पहला तरीका, खावंद अपनी बीवी को नरमी से समझाए, इसकी गलत फहमी दूर करे। अगर वाकई वो जानकर गलत रोश इख्तियार किए हुए हैं तो समझ कर सही रोश इख्तियार करने की तकलीफ करे, इससे काम चलेगा तो मामला यही खत्म होगा। नंबर दो, नाराजगी जाहिर करने के लिए बीवी का बिस्तर अपने से अलहदा कर दे और इससे अलहदा सोए। ये एक अमूली सजा और बेहतरीन तंबीह है, इससे औरत मुंतबी होगी तो झगड़ा यही खत्म होगा। तीसरा तरीका, खावंद को मामूली मार मारने की भी इजाज़त दी गई है, जिसकी हद ये है कि बदन पर इस मार का असर और जख्म ना हो, मगर इस तीसरे दर्जे की सजा के इस्तेमाल को रसूल करीम ने पसंद नहीं किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सब सारे शेयर के मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात हल करें। अगर आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह पाक आपका भला करेगा और आप सब सारे शेयर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।